लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हमने देखा था कि जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं और उसके डिफरेंट साइजेस क्या हैं बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें हम या तो जीरो की वैल्यू को होल्ड कर पाता है या वो वन की वैल्यू को होल्ड कर पाता है हम जब एट बिट्स को कंबाइन करते हैं तो वो बनता है वन बाइट के इक्वल हमने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी की थी उससे रिलेटेड फिर हमने देखा था यूनिट ऑफ डेटा को जिसमें हमने देखा था स्मॉलेस्ट वन इज़ बिट और बिट होल्ड कर पाता है एक ही वैल्यू को और जीरो जब हम एट बिट्स को कंबाइन करते हैं तो वो बनाता है वन बाइट वन बाइट तो हो गया एट बिट्स का कॉम्बिनेशन जब हम वन किलो बाइट की बात करते हैं दैट इज वन के बी इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर बाइट्स जब हम वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर बाइट्स को कंबाइन करते हैं वो हमें यूनिट देता है वन किलो बाइट का वन मेगाबाइट की बात की हमने देखा कि वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर किलो बाइट को कम्बाइन किया जाए तो वन मेगा बाइट बनती है फिर हमने गीगा बाइट तो वो देखा इसी तरह को जब हम कम्बाइन करते हैं तो वो गीगा बाइट बनता है फिर हमने टेरा बाइट और बीटा बाइट की बात की थी ये तो था हमारे लास्ट लेक्चर बात करेंगे अब हम आज के टॉपिक पर दैट इज इंट्रोडक्शन टू बुलियन अल्जबरा बुलियन अल्जब्रा को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं है क्या अजब्रा से आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे ये वर्ड बहुत फेमिलियर होगा बिकॉज ये वर्ड यूज़ होता है मैथ्स में मैथ्स में अजबरा मैथ्स की एक ब्रांच है अलजब्रा जिसमें बेसिकली हम करते क्या है डेट डील्स विद सिंबल्स और वेरिएबल्स हम उसमें सिंबल्स और वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं और उन पर इस्तेमाल करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो कि हैं प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम ये ऑपरेशन अप्लाई टू फाइंड अन नोन कोटिटीज रिप्रेजेंटेड बाई दीज वेरिएबल्स हमें जब आंसर चाहिए होता है जो चीज़ अन नोन होती है वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं सिम्बल्स हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है टू फाइंड द आंसर जो अन नोन हमारे पास क्वान्टीज हैं उन वेरिएबल्स की उनको फाइंड करने के लिए हम ये ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं हम अल्जब्रा अब बात करेंगे हम बोलियन अलजब्रा की कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बोलियन अल्जब्रा क्यों यूज़ होता है बोलियन अलजब्रा यूज़ किया जाता है टू एनालाइज़ और सिम्प्लीफाई द डिजिटल सर्किट्स कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं उसके अंदर सारे डिजिटल सर्किट्स आते हैं उनको हम लॉजिक सर्किट्स भी कहते हैं कंप्यूटर चल रहा होता है लॉजिक पर जो ज़ीरो और वन की वैल्यू जो हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम ऑफ और ऑन भी ले रहे होते हैं वो लॉजिक्स इस्तेमाल करके हम उनके सर्किट्स बनाते हैं इनको लॉजिक सर्किट्स भी कहा जाता है डिजिटल सर्किट्स भी कहा जाता है इनको एनालाइज़ करने के लिए और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बुलियन अलजब्रा का इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइनरी अलजब्रा और लॉजिकल अजब्रा बिकॉज बाइनरी क्यों कहा जाता है बिकॉज इसमें जीरोज़ और वंस का इस्तेमाल होता है इसलिए वो बाइनरी है और लॉजिक एल्ज्रा इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये लॉजिक गेट्स को डील कर रहा होता है इसके अंदर जब बात करते हैं सर्किट्स की तो उसमें लॉजिक गेट्स यूज हो रहे होते हैं कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा होता है जिसकी वजह से हम इसको लॉजिक एल्जबरा भी कहते हैं बुलियन एल्जबर इन्वेंट किया था सबसे पहले जॉर्ज भूली ने उन्होंने एटीन में इसको इन्वेंट किया था जॉर्ज भूली इट्स कंसिडर वन ऑफ द फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स साइंस इन्होंने वर्कआउट किया था साइंस और इनको हम कंसिडर करते हैं वन ऑफ द फाउंडर्स और वन ऑफ द फादर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलियन एल्जब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोलियन प्रापोजिशन प्रापोजिशन क्या है बोलियन प्रापोजिशन जो हमारा बोलियन एल्जबरा है रिवॉल्व करता है सारा अराउंड प्रापोजिशन स्टेटमेंट और प्रपोजिशन क्या होती है ये वो वर्ड है जिस तरह मैंने आपको कहा कहाजबरा वो वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं बहुत आप फेमिलियर होंगे उसका मैथ्स में प्रपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ड है जो आपने डेफिनेटली अपनी इंग्लिश क्लासेस में बहुत सुना होगा प्रेपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइर बी ट्रू और फॉल्स ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसका आंसर में आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही कह सकते हो यस yes या नो no ही कह सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल को असाइन करती हूँ लेट से आई टी का वेरिएबल पी और उसको मैं इक्वल कर देती हूँ एक स्टेटमेंट के एक प्रपोजिशन के दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान अब ये एक स्टेटमेंट है जिसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है या यस yes हो सकता है या नो no हो सकता है इसके आंसर में मैं कोई कहानी नहीं डाल सकती इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान यस और नो ट्रू और फॉल्स या एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम कि एक हम वेरिएबल क्यों को इक्वल कर देते हैं एक स्टेटमेंट के एक प्रपोजिशन के जो कह रही है टुडे इज फ्राइडे अब अगेन इसके आंसर में या तो येस yes होगा या नो होगा या, या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी सो so, ये दो एग्ज़ाम्पल्स जो थी हम इनको कहते हैं प्रेपोजिशन बिकॉज इसका आंसर हमारे पास लिमिटेड है हमारे पास चॉइस लिमिटेड है इनको हम इसको जिस तरह हमने कहा ना कि जो बुलियन अलजबरा है उसका इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो वेरिएबल है दैट कैन ओनली होल्ड वन ऑफ द टू वैल्यूज़ आइदर ट्रू और फॉल्स जीरो और वन ये जो स्टेटमेंट्स टू अभी हमने आपको बताएं एक वेरिएबल को मैंने पी किया और एक को क क्यू पी को इक्वल कर दिया था मैंने ये स्टेटमेंट के, के जो कह रही थी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान अब इसके आंसर में यस yes हो गया मीन्स अगर यस yes को हम वन से कंपेयर करें तो एक ही वेरिएबल होल्ड किया इसने इस वेरिएबल पी के अगेंस्ट एक ही वैल्यू आई जो उसने होल्ड की दैट इज़ वन दैट इज़ ट्रू अगेन टुडे इज़ फ्राइडे यस टुडे इज फ्राइडे तो अगेन वैल्यू इज़ वन ट्रू जो क्यू का था वेरिएबल उसके अंदर एक ही वैल्यू आई अब ये नहीं हो सकता असाइमेंट तो मैं ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है सो दैट इज़ नॉट अ प्रपोजिशन और जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है बोलियन जबरा का वो वहीं पर फॉल्स हो जाता है याद रखने की बात यह है कि हर स्टेटमेंट प्रशन स्टेटमेंट नहीं होती जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हर स्टेटमेंट के आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं हाउ आर यू अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके आंसर में आप ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते जिसके आंसर में आप येस yes या नो no नहीं कह सकते सो so, इसके आंसर में आप कुछ ज्यादा बोलेंगे आप बताएंगे हाउ आर यू आप इसको लिमिट नहीं कर सकते येस और नो की फॉर्म में सो so, ऐसी जो भी स्टेटमेंट जिनका आंसर सिर्फ येस और नो की फॉर्म में आए जिस ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आए उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं बोलियन एल्जब्रा के अंदर जो अभी मैंने एक स्टेटमेंट डिस्कस की दैट इज़ हाउ आर यू ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर में आपको बाउंड नहीं है आप सिर्फ एक आंसर नहीं कर सकते एक वैल्यू नहीं दे सकते ऐसी स्टेटमेंट्स को हम डील नहीं करते बोलियन एजब्रा में ये एक इंपॉर्टेंट रूल है बोलियन एलजब्रा का हमने बोलियन प्रपोजिशंस की बात की अब हम बात करेंगे ट्रुथ वैल्यूज की ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं ट्रुथ वैल्यूज आर कंसिडर ट्रू और फॉल्स एंड वेन वी टॉक अबाउट सर्किट्स देन वी से ऑफ़ या ऑन जब हम सर्किट्स में बात करते हैं तो हम ट्रू और फॉल्स को ऑफ या ऑन की शक्ल में कह देते हैं ऑफ इधर सर्किट इज ऑफ और इट्स ऑन दीज ट्रू वैल्यूज और ऑल्सो नोन एज बोलियन वैल्यूज़ ये जो हम ट्रुथ वैल्यूज जिनको हम कह रहे हैं उनको हम बोलियन वैल्यूज़ भी कहते हैं बिकॉज हमारे जो बोलियन अजबरा का सारा बेस कर रहा है वो बोलियन प्रपोजिशन पर कर रहे हैं बोलियन वैल्यूज़ पर करे जिनको हम ट्रुथ वैल्यूज़ के नाम से डिस्कस कर रहे हैं जिस तरह हमने बात की ट्रुथ वैल्यूज़ की उसके बाद हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की हम ये बुलियन अल्जब्रा की फॉर्म्स को वन बाई वन डिस्कस कर रहे हैं उसको क्योंकि अब स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं पहले एक स्टेटमेंट होगी जिसको हमने बुलियन प्रेपोजिशन कहा फिर उसके बाद हम उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ देखेंगे मीन्स के उसकी बुलियन वैल्यूज़ देखेंगे और फिर हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिससे हम देखेंगे कि जो हमने की है वैल्यू आंसर क्या आ रहा है उस टेबल से हम बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रुथ टेबल को टू चेक वेदर The preposition is true or false. क्या जो प्रपोजिशन का था था था? वो हमारे पास true था या false था? आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है truth table. ये truth table है जिसको हम आगे हम आगे करेंगे बिकॉज हमने बात करनी आने वाले लेक्चर्स में अपने थ्री लॉजिक गेट्स पर जो बुलियन एल्ज्रा के थ्री लॉजिक गेट्स हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं एंड और नॉट ये तीन ट्रुथ टेबल्स जो हैं आपको उनकी फॉर्म में बता रहे हैं सिर्फ अभी आपको एक शक्ल दिखानी थी क्योंकि अब हमने इनको डिस्कस करना है अपने आने वाले लेक्चर्स में जब हम रेलिवेंट लॉजिक गेट की बात करेंगे तो हम उससे रिलेटेड उसके ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे बट आपको आइडिया हो जाए कि हाउ डज अ डज्रुथ टेबल लुक्स लाइक तो वो ट्रुथ टेबल ऐसा है सो so स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की थी बुलियन अल्जब्रा की बुलियन अल्जब्रा में हमने देखा व्हाट इज बुलियन अल्जबरा इन्वेंट किसने किया था ये बुलियन अलजबरा और हम इसको कैसे अल्जब्रा कंप्यूटर्स में कहाँ से आ गया और उसको हम कैसे रिलेट करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस में फिर हमने बात की बुलियन प्रापोजिशन की बुलियन प्रेपोजिशन वो स्टेटमेंट है जिसका आंसर सिर्फ या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है या यस yes हो सकता है या नो no हो सकता है हमने एक इंपॉर्टेंट रूल देखा बुलियन प्रापोजिशन का बुलियन एल्जब्रा का एक्चुअली कि जो भी स्टेटमेंट उसमें यूज़ होगी जो वेरिएबल यूज़ होगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है दो दी वी वैल्यूज में से या तो ज़ीरो को या वो वन को फिर हमने देखा ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं ट्रुथ वैल्यूज मीन्स ट्रू और फॉल्स और फिर लास्टली हमने डिस्कस किया था ट्रुथ टेबल कि जब हमारे पास हमने चेक करना हो वैदर का प्रपोजिशन जो हमें गिवन प्रपोजिशन है इट्स ट्रू और फॉल्स हम बनाते हैं एक टेबल जिससे हम चेक करते हैं उसकी वैल्यू को सो डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमने लेक्चर लिया था उसको एंड तो हमने कर लिया उस टॉपिक को हम एक करेंगे छोटी सी एक्टिविटी ताकि हमें थोड़ी सी जो भी क्लियरेंस है वो मजीद क्लियर हो जाए कहीं कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो इस एक्टिविटी से लाइटर नोट पर हम एक अच्छे तरीके से उन सारी कन्फ्यूजन को कर लेंगे क्लियर सो एक्टिविटी क्या है यू हैव टू डिजाइन अ मशीन आपको एक मशीन डिजाइन करनी है दैट हैज अ बटन फॉर ईच चॉइस उस पर एक बटन होगा हर चॉइस के लिए एक एक बटन होगा चॉइसेस क्या हैं हमारे पास चॉइसेस हैं हमारे पास पीच टी एप्पल जूस एंड आइस टी ये थ्री चॉइसेस हैं आपके पास और उन हर चॉइस के लिए एक बटन करना है हमने डिज़ाइन चॉइस को प्रेस करने के लिए और एक ऐसी मशीन जो कि आपने रेस्टोरेंट्स में देखी होगी कि आप डिफरेंट सॉफ्ट सोडा ड्रिंक्स होते हैं आप प्रेस करते हैं वो आता है ग्लास के अंदर अपनी ऑप्शन के मुताबिक इसी तरह की एक मशीन करनी है हमने लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए कि वहां पर क्या वैल्यूज़ होंगी क्लियर हो जाएगी पिक्चर हमारे पास सो दैट अ कस्टमर कैन हैव एट मोस्ट वन ऑफ द थ्री चॉइसिस अब करना क्या है कि कस्टमर एक वक्त में एक ही प्रेस करेगा दो तो नहीं प्रेस करेगा एक ही प्रेस करेगा तब जाकर वो अपनी चॉइस को कर सकता है सिलेक्ट अब हम करते हैं ये तो हमारी थी एक्टिविटी प्रॉब्लम मतलब कि इस प्रॉब्लम को अब हमने करना है सॉल्व करेंगे अब हम क्या हमने लेनी है थ्री इनपुट्स ऑब्वियसली जो च्वाइस हैं वो इनपुट ही होंगी ना यूजर देगा हमें इनपुट्स है हैं हमारे पास पीच टी थी पहली उसको हमने कर लिया पी के इक्वल पीच टी के बटन को हमने पी के इक्वल कर लिया वन का मतलब है उसने पुश किया है यूजर ने जीरो का मतलब है पुश नहीं किया हमने ए को इक्वल कर दिया एप्पल जूस के बटन के और उस पर भी अगेन वन मीन्स पुश्ड एंड जीरो मीन्स नॉट पुश्ड हमने आई को कर दिया इक्वल्स टू आइस टी के बटन के ऑप्शन को क्लिक करने का जो हमने इनपुट लिया हमने उसको आई से इंडिकेट कर दिया अगेन ये हमने स्टार्ट किया है अपना सोल्यूशन के हमने बैक एंड पे ही काम कर लिया अब इनपुट्स हो गई डिसाइड आउटपुट की तरफ आते हैं आउटपुट हमने रखी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू चॉइस वेरीफायर अब हमें ये चॉइस वेरीफायर मतलब के अगर तो यूजर ने किया है इज वन प्रेस इसका मतलब है एक्सेप्टेबल है हमने उसको ड्रिंक दे देनी है जो भी डिज़ायर्ड बटन उसने प्रेस किया अगर किया उसने जीरो प्रेस मींस के अनएक्सेप्टेबल इनपुट है ज़ीरो का तो मतलब ये था ना कि कुछ पुश ही नहीं किया उसने तो वन मीन्स एक्सेप्टेबल इनपुट एक्स इज़ वन वेन एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री ऑप्शन इज वन अब ये जो आउटपुट हमारे पास वन तभी आएगी जब एटलीस्ट जो हमारी जो भी उसने दी हुई है हमने तीन ऑप्शन यूजर को दिए हैं उसमें से एग्जैक्टली exactly वो वन किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा एक ऑप्शन सिलेक्ट होगी तभी आउटपुट आएगी हमारे पास वन अगर वो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है आउटपुट जीरो रहेगी क्योंकि हमने कहा है कि एक वक्त में उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करनी है हम बनाते हैं इन इनपुट्स और आउटपुट्स को देखते हुए एक ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा हमारा ट्रुथ टेबल हमने कॉलम्स में लिखा हमने फोर कॉलम्स बनाए पहली कॉलम को पी इनपुट दी पी टी का हमने पी के इक्वल किया था पी आ गया ए इज एक्वल टू एप्पल जूस बटन ए आई इज इक्वल आई और एक्स जो कि हमारी थी आउटपुट वो हमें शो करेगा कि आउटपुट क्या आई थी पहली सिचुएशन में अगर बटन उसने तीनों प्रेस कर दी है यूजर ने आउटपुट कुछ नहीं आएगी क्योंकि हमने कहा था जब एक बटन प्रेस होगा जब इनपुट एक किसी एक की वन होगी तब हमारी आउटपुट वन होगी अगर उससे ज्यादा वन होंगे तो आउटपुट वन नहीं होगी हमने एट अ टाइम सिर्फ एक इनपुट लेनी है यूजर से तो अगर यूजर ने कर दी है तीनों बटन प्रेस तो आउटपुट कुछ नहीं आने वाली उसको जीरो आउटपुट क्योंकि ये तीनों बटन की प्रेस हमने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे दूसरी ऑप्शन में हमारे पास है हमने पी टी का बटन भी प्रेस कर दिया एप्पल जूस का भी कर दिया अगेन आउटपुट इज जीरो नेक्स्ट में हमने किया है पी टी को भी प्रेस कर दिया और आईस टी को भी प्रेस कर दिया अगेन आउटपुट इज जीरो नेक्स्ट में बिलफर्स हमने किया है सिर्फ पी टी को प्रेस बाकी दोनों को नहीं छेड़ा बटन्स को तो हमारे पास आ जाएगी पी टी आउटपुट वन आ गई बिकॉज एक ही बटन प्रेस हुआ है मशीन को समझ आ गई है कि सिर्फ यही आउटपुट उसको देनी है मशीन को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई अगर मल्टीपल बटन्स प्रेस हो जाएंगे तो मशीन खुद कन्फ्यूज हो जाएगी क्या देना है आउटपुट क्या आएगी सो एट ए टाइम एट बटन ही प्रेस करना चाहिए तभी आई है हमारे पास आउटपुट वन नेक्स्ट में अगर हम देखें कि हमने फिर किया है हमारे पास एप्पल जूस का बटन प्रेस कर दिया और हमने आइस टी का भी बटन प्रेस कर दिया अगेन कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगी दो बटन्स नहीं प्रेस करने अगर हमने सिर्फ प्रेस किया है एप्पल जूस का बटन आउटपुट इज़ वन मिल जाएगा हमें एप्पल जूस अगर हमने प्रेस किया है सिर्फ आइस टी का बटन प्रेस अगेन बाकी दो को हमने टच नहीं किया आउटपुट हमें मिल जाएगी वन आ जाएगी इन केस हमने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया यूज़र ऐसे ही खड़ा है वहां पर उसको कुछ नहीं चाहिए तो उसको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी इन इनकेस ऑल ऑप्शन आर ज़ीरो कोई इनपुट ही नहीं दी जब यूज़र ने तो उसको आउटपुट भी नहीं मिलेगी लॉजिकली यही काम करेगी हमारी मशीन इसी तरह ही काम करना चाहिए हमारी मशीन को सो so, ये एक शॉर्ट सी छोटी सी लाइटर नोट पे हमने की एक्टिविटी ताकि जो हमने ट्रुथ टेबल डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में वो आपको क्लियर हो जाए अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गई थी तो अब आई होप नहीं होगी इस एक्टिविटी के बाद सो डियर स्टूडेंट्स हम आगे अपने एम सी क्यू पोर्शन पे और ये एम सी क्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सो so, इसलिए हमने करनी है इनकी प्रैक्टिस द फर्स्ट एम सी क्यू डेट इज़ ऑन योर स्क्रीन से इज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डेटा स्टोर इन दम ऑफ वॉट जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज हैं उनमें डेटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है ऑप्शन है हमारे पास बाइट्स बेट निबल या फिर जी बी इन चार डी वी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन दैट इज राइट बाइट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज डेटा स्टोर इन दम ऑफ बाइट नेक्स्ट एम सी क्यू दैट इज ऑन यूर स्क्रीन सेज विच टेबल इज यूज टू शो वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स वो कौन सा टेबल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए वो ये बताता है हमें कि क्या जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी सही थी या गलत थी ऑप्शन है हमारे पास वैल्यू टेबल बुलियन टेबल ट्रुथ टेबल या फिर सेंट्रल टेबल इन चार दी वी ऑप्शन में से कौन सी है वो करेक्ट ऑप्शन मीन्स वो कौन सा करेक्ट टेबल है जो कि हमें बताता है कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ट्रू है या फॉल्स है ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल इज द टेबल दैट इज़ यूज टू शो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स द नेक्स्ट एम सी क्यूट इज ऑन योर स्क्रीन से पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है ऑल द डेटा इन डैश इज क्लियर जितना भी डेटा स्टोर किया गया है वो क्लियर हो जाता है कहाँ पर स्टोर किया है वो डेटा हमने जो पावर सप्लाई के डिसकनेक्ट होने से अरेज हो जाता है क्लियर हो जाते हैं ऑप्शन है, है हमारे पास रैम मीन्स रेंडम एक्सेस मैमरी रॉम से इज़ रीड ओनली मैमरी हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क इन चार दी वी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन जो कि कह रही है एज सुन एज द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड ऑल द डेटा स्टोर इन इट इज़ क्लियर ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स रैम हम रैम में जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो तब तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई कनेक्ट रहे जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है जो भी डेटा हमने रैम में स्टोर किया है वो क्लियर हो जाता है द नेक्स्ट एमसीक्यू से कौन सी है मेमरी की एग्जाम्पल ऑप्शन है हमारे पास रैम रोम हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क वेरी इजी एंड यू कैन कनेक्ट दिस एमसीक्यू टू द प्रीवियस वन तो आपको समझ आ जाएगी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन दैट इज रैम

ऑप्शन नंबर वन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन कि योर नेम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबैट्स बट फॉर अ कंप्यूटर ईच एल्फाबैट हैज़ सम बाइनरी वैल्यू द नेक्स्ट टाइम से विच इज़ अ फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेली और परमानेंटली वो कौन सी फिजिकल डिवाइस है इस कंप्यूटर की जो कि डेटा को टेम्प्रेली भी स्टोर कर सकती है या परमानेंटली डेटा और इंफॉर्मेशन बोथ आप टेम्परेली भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी ऑप्शन है आपके पास सेल कंप्यूटर मेमोरी या फिर वोल्टेज इन तीन ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ राइट ऑप्शन नंबर टू दैट सेज कंप्यूटर मेमरी इज अ फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्परेली और परमानेंटली सो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया बुलियन अल्जब्रा को हमने देखा व्हाट आर द बोलियन रिलेट किया जा सकता है इन कंप्यूटर साइंस आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा हम मिलेंगे इनके नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा